हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। आज के अपने इस वीडियो में, जो कि नाबार्ड सीरीज के लिए है, उसमें हम एआरडी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो है करंट एग्रीकल्चर। आप सभी को पता है एआरडी सेक्शन जो होता है, इसमें एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो भी कितने 40 क्वेश्चंस। 40 क्वेश्चंस में अगर हम सिंपल एक डिवीजन देखते हैं, तो उसमें अराउंड हम ये मानते हैं कि लगभग 20 क्वेश्चन स्टैटिक पार्ट से होंगे और 20 क्वेश्चन डायनामिक पार्ट से। बट ऐसा होता नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन किससे होते हैं? डायनामिक पार्ट से। आपके एग्रीकल्चर से, कोर कंसेप्चुअल एग्रीकल्चर से आपको 6 to 7 क्वेश्चन ही मिलते हैं एज पर द लास्ट 3 ईयर पैटर्न। ठीक है, लास्ट 3 ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं। तो आपका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? डायनेमिक या फिर करंट एग्रीकल्चर। अगर आप नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से भी हैं और अगर आप अपने करंट एग्रीकल्चर पार्ट को कवर करते हैं, जो कि एक अपने आप में बहुत ईजी है, आप लोग देख सकते हैं खुद ही, तो अगर आप उसको कवर करके जाते हैं, स्कीम्स पढ़ के जाते हैं, डेटा पढ़ के जाते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी होता है इसको कवर करना। तो करंट एग्रीकल्चर वाला पार्ट आप अपना ना छोड़ के जाएं। भले ही आपको एग्रीकल्चर अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप उसको एक टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, बट करंट एग्रीकल्चर आपको नहीं छोड़ना है। आज की अपनी इस वीडियो में हम करंट एग्रीकल्चर रिलेटेड टू द मंथ मई 2021 डिस्कस करेंगे। हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट एग्रीकल्चर इवेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, कि 8th इंस्टॉलमेंट है पीएम किसान की, वो डिसबर्स की गई। तो 8th इंस्टॉलमेंट, आप सभी को पता होगा कि ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी 2019 में लॉन्च हुई थी, बट इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च किया गया था। उसका क्या मतलब है? दिसंबर 2018 से मार्च 2019 के लिए पहली इंस्टॉलमेंट रिलीज की गई थी। 2019 के फरवरी में इसको लॉन्च किया गया और दिसंबर 2018 से इसको डिसबर्स किया गया। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th इंस्टॉलमेंट इसके रिलीज करी ऑन द 14th ऑफ मई 2021 वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपीज डिसबर्स किए गए टू द 9.5 करोड़ बेनिफिशरीज। और ये ऐसा पहली बार हुआ कि वेस्ट बंगाल के भी सभी फार्मर को इसका बेनिफिट दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 8वीं इंस्टॉलमेंट 20,000 करोड़ रुपए की टू द 9.5 करोड़ बेनिफिशरीज को दी गई है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द प्रिंसिपल क्रॉप्स रिलीज किया है, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्पेशली नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड में हमेशा इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है कि टोटल फूड ग्रेन एडवांस कितना है। तो अगर आपको मैं बताऊं, 2019 में जब एग्जाम हुआ था तो जून में ही एग्जाम हुआ था और जून के स्टार्टिंग में ये एडवांस एस्टिमेट आया था। तो उस टाइम भी पूछा गया था फूड ग्रेन एडवांस कितना है। लास्ट ईयर 2020 में जब एग्जाम हुआ था तब भी लेटेस्ट फूड ग्रेन प्रोडक्शन पूछा गया था, साथ ही साथ उसमें तो पैडी प्रोडक्शन भी पूछा गया था, क्योंकि उस समय एक ही एस्टिमेट आया था, पैडी का ही था, उसमें वीट इंक्लूडेड नहीं था। तो आप देख सकते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हो गया है हमारा अकॉर्डिंग टू द थर्ड एडवांस एस्टिमेट, इट इज 305.44 मिलियन टन। तो ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, इतना ये पहली बार हमने अचीव किया, इससे पहले हमने इतना अचीव नहीं किया। लास्ट ईयर का आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर 297 मिलियन टन के अप्रोक्स हमने प्रोड्यूस किया था और अभी हम लगभग 7.94 मिलियन टन इससे आगे चल रहे हैं। राइस में भी हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है, इट इज 21.46 मिलियन टन। वीट में भी हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 108.75 मिलियन टन। पल्सेस का हम देखें, पल्सेस का एक इंपॉर्टेंट है 25.58 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन इस समय चल रहा है। बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि टोटल फूड ग्रेन एडवांस हमारा कितना है। साथ ही 2021 और 2022 के लिए गवर्नमेंट ने क्या फूड ग्रेन प्रोडक्शन के टारगेट सेट किए हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, 307 मिलियन टन टारगेट है जो अभी आने वाला है, जिसकी अभी खरीफ की बुआई शुरू होगी। और इस पे हमने अपना डिटेल्ड वीडियो बनाया है एग्रीबी चैनल पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं एग्रीबी चैनल पे, आप जरूर उसको ज्वाइन करें। वहां पे हम रिलेटेड एग्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस डालते रहते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीबी को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड अपडेट्स और साथ साथ पीडीएफ डालते रहते हैं, तो आप एग्रीकल्चर की फील्ड में वहां से अपडेटेड रह सकते हैं। कमिंग टू द ऑयल सीड्स, 36.57 मिलियन टन था, शुगर केन का 392.80 मिलियन टन, कॉटन का 36.49 मिलियन बेल्स। बेल्स मैंने आपको जैसे कि उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया था, बेल क्या है, एक मेजरिंग यूनिट है कॉटन की। तो कॉटन को हम केजी में मेजर नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एक बेल बनाते हैं। बेल किसका होता है? इसमें बेल इंक्लूड्स द 170 केजी ऑफ कॉटन। तो 170 केजी का एक पैक आप समझ सकते हैं, जिसको हम बेल कहते हैं और हम उसको उसमें मेजर करते हैं। सिमिलरली जूट एंड मेस्टा को भी हम बेल्स में मेजर करते हैं, यहाँ पे बस बेल में ये डिफरेंस है कि जूट एंड मेस्टा का बेल होता है इट इज ऑफ 180 केजी ऑफ ईच। तो ये इसका प्रोडक्शन है, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको फूड ग्रेन प्रोडक्शन पता होना चाहिए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नाबार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी सुनी होगी, टीवी में भी देखी होगी, कि जो सब्सिडी थी डीएपी फर्टिलाइजर की, ये बहुत कॉमनली यूज होता है फर्टिलाइजर। अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा एनपीके यूज होता है, एनपीके
के तो आजकल कॉम्बिनेशन भी आते हैं, या आपने नाम सुना होगा यूरिया फार्मर यूज करते हैं और फार्मर दूसरा डीएपी यूज कर सकते हैं, डाइअमोनियम फॉस्फाइड। तो ये इसमें सबसे ज्यादा फॉस्फोरस हमको मिलता है, तो इसकी सब्सिडी गवर्नमेंट ने 500 रुपीज जो सब्सिडी दी जाती थी पर बैग में, उसको बढ़ा के 1200 पर बैग कर दी गई है, जो कि लगभग अपने आप में बहुत बड़ा इंक्रीज है, और ये 140% इंक्रीज है जो ये गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है। इससे क्या होगा कि जो हम पहले 1200 में बैग खरीदे थे, वो अभी भी हम 1200 में ही बैग खरीदेंगे। बट ऐसा क्यों करना पड़ा गवर्नमेंट को? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। यहाँ पे गवर्नमेंट प्रो फार्मर सोचते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम जितना भी इंक्रीज है इंटरनेशनल मार्केट में, वो हम खुद एब्जॉर्ब करेंगे। कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? थ्रू द सब्सिडी, और फार्मर को जो उसका एग्जिस्टिंग प्राइस था उसी पे डीएपी दी जाएगी, और जो उसका पूरा का पूरा भार है वो कौन वहन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी जितना भी बर्डन पड़ेगा प्राइस हाइक का। तो सब्सिडी रेट जो डीएपी में था वो पहले 511 रुपए था, वो 1211 रुपए पर बैग कर दिया गया है, 700 रुपीज का पर बैग इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या होगा, डीएपी कंटिन्यू रहेगी फार्मर को कितने रुपए में? 1200 रुपीज पर बैग में। इससे जो सब्सिडी लोड आएगा, जो 27,500 करोड़ रुपीज था, वो बढ़ के अब कितना हो जाएगा? 42,275 करोड़ रुपीज। और जिसको कौन बियर करेगा? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन इंपॉर्टेंट न्यूज है कि लॉन्च ऑफ एनएमएमएस ऐप, एन एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, पंचायती राज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि इन सभी के मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, तो इन्होंने दो ऐप लॉन्च करी, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और साथ ही साथ एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये रियल टाइम अटेंडेंस लेता है वर्कर की जो मनरेगा के अंदर काम कर रहे होते हैं, अलॉन्ग विद द जियो टैगिंग, और साथ ही साथ उसमें उसकी फोटो भी ली जाती है। तो इससे क्या फायदा होगा, जो सिटीजन ओवरसाइट है वो भी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो प्रोसेसिंग होती है हमारे पेमेंट्स की, वो रियल टाइम में ही हो सकेगी, क्योंकि अटेंडेंस रियल टाइम में ली जाएगी, तो प्रोसेसिंग भी इजी होगी और इफिशियंसी भी बढ़ेगी वर्क की। जो दूसरी ऐप है एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप, तो ये बेसिकली रिकॉर्ड कीपिंग के लिए ऐप बनाई गई है, सो टू फाइंड ऑनलाइन ऑल द रिकॉर्ड्स जो कि टाइम स्टैम्प्ड होंगे, और साथ साथ कैसे होंगे, जियो कोऑर्डिनेटेड टैग्स होंगे, और जो भी स्कीम्स में, जैसे कि मेनली स्कीम है मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, उसमें क्या वर्क हुआ है उसकी जियो टैगिंग और फोटोग्राफ्स के साथ वो रिकॉर्ड के रूप में वहां पे रहेगा। इससे हमारे वर्क की इफिशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग एक मैंडेटरी फील्ड हो जाएगा। देन कमिंग टू द शेयर ऑफ द जीवी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन टोटल इकोनॉमी एट करंट प्राइसेस, वो बढ़ के कितना हो गया? 20.2%, जो कि अराउंड 17% था। तो अभी जो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, एज पर द सेकंड एडवांस एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम 2020 एंड 21, जो कि 26 फरवरी 2021 को रिलीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में टोटल शेयर है वो 20.2 है, और जो एलाइड सेक्टर्स का बाइफर्केशन है एनिमल हस्बेंड्री में कितना है या बाकी में कितना है, वो अभी अगले साल जनवरी में रिलीज होगा। तो अभी के लिए जीवी इन एग्रीकल्चर इट इज 20.2। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वी हैव लॉन्च एन ऑफर कि गेट वैक्सीनेटेड गेट रिवॉर्डेड। तो आप इसमें आपको फ्लैट 18% ऑफ मिलेगा हमारे सारे ही ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगा ली है तो आप जस्ट उसकी पिक्चर ले सकते, आपके किसी भी फैमिली मेंबर ने कोरोना वैक्सीन लगा ली है तो आप उसकी पिक्चर को अपलोड करके इस ऑफर को ले सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है हमें जरूर कॉल करें या हमें विजिट करें। दोस्तों मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि नाबार्ड का हमने बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो जल्दी एनरोल करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। बेनिफिट आप सभी को पता है कि हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में आपको क्या क्या चीज मिलेगा, बट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे अच्छी चीज है, वो आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलती है फ्रॉम द एक्सपर्ट फैकल्टी, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट क्वेरी पूछ सकते हैं। तो लाइव क्लासेस यहाँ पे रेगुलर होती है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, तो आप जरूर ज्वाइन करें। देन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज बाय द 65% इन 2020 एंड 21। हमने कंपेयर किससे किया है? 2007 एंड 8 से। 2007 एंड 8 में हमारा कितना प्रोडक्शन था? 14.76। 2020 एंड 21 में अकॉर्डिंग टू द सेकंड एडवांस एस्टिमेट कितना हो गया? 24.42। अभी हमने देखा थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ये कितना हो चुका है? 25.58 मिलियन टन। तो हम देख सकते हैं कि अराउंड 10 मिलियन टन से भी ज्यादा का इंक्रीज है, फिनोमिनल इंक्रीज ऑफ 65%। तो ये पल्स प्रोडक्शन हमने काफी बढ़ाया है, ऑल्दो अभी भी हमको इसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हम लार्जली डिपेंडेंट रहते हैं इंपोर्ट्स पे, हमारी रिक्वायरमेंट भी पल्सेस की बहुत ज्यादा है, तो पल्स प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना है। अभी हमने कैसे बढ़ाया? बाय एनहांसिंग द बजटरी आउटलेज फॉर द पल्स प्रोडक्शन। फोकस किया हमने स्पेशल प्रोग्राम में डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सीजन के अकॉर्डिंग स्पेशल प्लान बनाए गए, जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है पल्सेस की उन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राइस फेलो एरिया को टारगेट किया गया और उनको पल्स प्रोडक्शन की तरह बढ़ाया गया। टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर थ्रू द इंक्रीज फ्रंटलाइन एंड क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन, ये आपको पता है जिसके लिए सबसे ज्यादा काम कौन करता है, केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र या फिर फार्म साइंस सेंटर आप इसको कह सकते हैं। इसका मेन काम होता है एक्सटेंशन का, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। तो यहाँ पे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन की हेल्प से पल्स प्रोडक्शन को बढ़ाया गया। यहाँ पे बेसिकली काम क्या होता है कि जो हमारी हाई यील्डिंग वेराइटीज होती है जो साइंटिस्ट ने बनाई है, हम उनको फील्ड में लगा के दिखाते हैं और फार्मर आके उनको देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये वेराइटी उनके लिए भी अच्छी हो सकती है, तो वो अगले साल फिर अपने फार्म में अडेप्ट करते हैं उस टेक्नोलॉजी को या फिर उस वेराइटी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन अप्रोच। डाइवर्सिफाइड हमने प्रोडक्शन अप्रोच करी, एक ही कॉमन प्रैक्टिस जो कि हमारे अभी तक चली आ रही थी कि हम एक ही खेत में पूरी क्रॉप ग्रो करेंगे, ऐसा हमने नहीं किया। डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू लाइक रिच फरो, टूर ट्रांसप्लांटिंग, इंटरक्रॉपिंग या टूर ऑन राइस बर्न्स, ऐसे काम किए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि जैसे हमारा मेन फील्ड है हम उसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट प्लॉट्स में और हम बीच में सीरियल क्रॉप ग्रो कर देते हैं। तो बेसिकली जो अरहर की क्रॉप होती है उसको हम बर्न्स में भी ग्रो कर सकते हैं, वो एक श्रब टाइप की होती है, तो यहाँ पे हम उसको बर्न्स में यूज करके हम अपने बर्न्स एरिया को भी यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ टूर का प्रोडक्शन भी ले सकते हैं। तो इस टाइप से भी प्रैक्टिसेस की जा रही है। देन एलोकेशन ऑफ रुपीज 2250 करोड़ फॉर रियलाइजिंग द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन 2020 एंड 22। तो आप सभी को पता है मिशन फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो गवर्नमेंट की अभी तक चलती आ रही है, तो गवर्नमेंट ने उसकी होलिस्टिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए हॉर्टिकल्चर सेक्टर में 2250 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं। लास्ट ईयर हमारा हाइएस्ट एवर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हुआ था 320.77 मिलियन टन, एरिया कितना था 25.66 मिलियन टन, और अगर अभी हम लेटेस्ट डेटा देखें जो कि हमारा फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है इट इज 326.58 मिलियन टन और एरिया कितना हमने यूटिलाइज किया 27.17 मिलियन हेक्टेयर। तो एरिया में भी इंक्रीज है साथ ही साथ प्रोडक्शन में भी इंक्रीज है। तो गवर्नमेंट उसी को फोकस करते हुए जो मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अप्रोच आपको पता होगा एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, इसमें काफी फोकस कर रही है और जिसके लिए गवर्नमेंट ने बजटरी एलोकेशन भी बढ़ाया है। Then coming to the next, National Bamboo Mission launches MIS module for strengthening domestic अगरबत्ती industry। तो आप सभी को पता है MIS का use management information system का use हम efficiency बढ़ाने के लिए करते हैं, तो similarly NBM जो National Bamboo Mission है उसने भी इसके लिए launch किया है। तो उससे क्या फायदा होगा, production to collate with the location of stick making units, availability of raw material, functioning of the unit, production capacity, marketing, ये सारी एक तो real time में access हो सकेगी और इसको efficient बनाया जा सकेगा। तो उससे basically aim है वो क्या है, hub and spoke model पे काम करना। hub and spoke model क्या होता है कि एक hub बनाया जाए जहां से production हो और साथ ही साथ स्पोक मॉडल मतलब हम वेरियस मींस से या तो ट्रांसपोर्ट के मींस हो या फिर मार्केटिंग मींस से हम उसको लोगों तक पहुंचाएं और इनकम जनरेशन हमारा बढ़ सके। तो जो रीस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन था जिसको 2018 एंड 19 में रीलॉन्च किया था इसी अप्रोच के साथ लॉन्च किया था, एक तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच और दूसरा हब एंड स्पोक मॉडल, सो दैट की जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है हम उनको हार्नेस कर सकते स्पेशली बाय बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज अमंग द स्टेक होल्डर्स या फिर हम सिंपली कह सकते हैं लिंकिंग फार्मर टू द मार्केट। तो ये बेसिकली हब एंड स्पोक मॉडल होता है कि ये बेसिकली प्रोडक्शन यूनिट्स हैं या फार्मर्स हैं और यहां से इनको लिंक किया जाएगा मार्केट से। देन प्राइस ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइस यूज्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन रिमेन्स अनचेंज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। तो आप सभी को अभी पता होगा दो दिन पहले ही ये मोदी जी ने फिर से हमें बताया, ऑल्दो ये पहले इसके टारगेट डिफरेंट था अभी टारगेट इसको रिवाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया है कि हम जो हमारा पेट्रोल है उसमें हम फ्यूल ग्रेड के एथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे और जिसका टारगेट क्या सेट किया गया है 10% टारगेट सेट करना है हमको 2022 तक, हमको 10% की ब्लेंडिंग करनी है अपने पेट्रोल में बाय द फ्यूल ग्रेड एथेनॉल और 20% बाय 2025। अर्लियर 2030 था, अभी इसको प्रीपोन करके 2025 कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने फिक्स्ड किया है प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम मेज ₹51.55 लीटर और राइस का 56.87 लीटर फॉर एथेनॉल। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो FCI का राइस का प्राइस है वो एथेनॉल पर्पस के लिए वो उतना ही रहेगा जितना लास्ट ईयर था, इट इज 2000 पर क्विंटल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। तो ये गवर्नमेंट ने अहम फैसले लिए हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस यूज्ड एथेनॉल फॉर द ब्लेंडिंग पर्पस इन पेट्रोल। देन एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉन्चेस हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड बी डे। तो वर्ल्ड बी डे जो हमने 20th मई को सेलिब्रेट किया था उस दिन हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी एट IARI पूसा न्यू दिल्ली में लॉन्च की। साथ ही साथ 300 करोड़ रुपीज अप्रूव किए गए हैं फॉर ओवरऑल प्रमोशन ऑफ द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। किस चीज के लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक बी कीपिंग एंड अचीविंग द टारगेट ऑफ स्वीट रेवोल्यूशन। तो आपको भी को पता होना चाहिए कि स्वीट रेवोल्यूशन हमारी हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। साथ ही साथ वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लैब
एस्टेब्लिश की जा चुकी है एनडीडीबी आनंद में विद द हेल्प ऑफ 5 करोड़ रुपीज। साथ ही साथ दो और रीजनल लेबोरेटरीज सैंक्शन की हैं गवर्नमेंट ने विद ₹8 करोड़ ईच फॉर हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे फ्रॉम द मई 2021। हमने लगभग 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखे रिलेटेड टू द करंट एग्रीकल्चर या जिसको आप कहते हैं डायनामिक एग्रीकल्चर। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाबार्ड एग्जाम के लिए। जाने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपने एफसीआई टेक्निकल की तैयारी नहीं शुरू की है तो अगेन आप जल्दी शुरू करें, क्योंकि कंडीशन ठीक होने के बाद कभी भी एग्जाम अनाउंस हो सकता है और आपको अभी भी टाइम है कि आप इसकी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एफसीआई टेक्निकल में पार्ट बी में 5 सब्जेक्ट है, 500 सब्जेक्ट के लिए आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एग्रीकल्चर, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, फूड एक्ट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जरूर इसको एनरोल करें बिना टाइम वेस्ट किए। आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, हमें जरूर कॉल करें, जरूर विजिट करें iexamb.com। साथ ही साथ एग्रीबी चैनल को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे हम एग्री रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे सारी वीडियोस डालते हैं, तो आपके वो एग्री कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे अहेड।